ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी और साथ में आवाज भी आ रही होगी। राइट है। ठीक है। ठीक इवनिंग टू ऑल। हम लोग परसों के दिन मिले थे, आई थिंक सो। उसके बाद हम लोग आज मिल रहे हैं फिर से एक बार। लास्ट टाइम हमने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उन्हीं को ही आगे लेते हुए हम लोग आगे आगे बढ़ने वाले हैं। कोई जल्दी ना करे, एक रिक्वेस्ट है सभी से, मतलब भागने की कोशिश ना करें आगे आगे। थोड़ा बेसिक हम लोग कवर करने वाले हैं आज। बहुत सारी थ्योरी और बहुत सारे लिखने का काम आप लोगों को करना है, इसलिए हम दौड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। धीरे धीरे समझेंगे सारी चीज़ों को, बेसिक्स को समझते जाएंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होगा, मैं अगर आपको सीधा कोऑर्डिनेट के जो 10-12 फॉर्मूले वो अगर लिखवा के उसके ऊपर के सम दे दूंगा तो वो आज आ जाएंगे, लेकिन कल को अगर एग्जामिनर ने कुछ कॉन्सेप्ट अगर बेसिक से कुछ अलग बदल दिया, बोलते हैं ना जिसको बेस से हिला देना, तो अगर आपको बेस ही पता नहीं रहेगा किसी चीज़ों का तो फिर आप उधर अटेम्प्ट, मतलब फॉर्मूला आता है फिर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि कैसा भी क्वेश्चन टर्न हो जाए, हमारा कन्वर्जन रुकना नहीं चाहिए। इसलिए थोड़ी चीज़ें मैं आज टॉपिक से हटकर भी पढ़ाऊंगा और टॉपिक के अंदर के भी पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा, अगर ये वाई एक्सिस है, अगर ये एक्स एक्सिस है, तो हम लोग एक सिंपली कोई भी पॉइंट लेते हैं ए पॉइंट, एक सिंपली कोई पॉइंट लेते हैं बी पॉइंट, और हम लोगों को अगर इसके कोऑर्डिनेट पता है एक्स वन वाई वन, और इसके अगर कोऑर्डिनेट पता है एक्स टू वाई टू, तो हम लोग आसानी से इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला सीखे थे। दैट डिस्टेंस ए बी इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वेयर, या इसको कोई ऐसा भी बोल सकता है अंडर रूट ऑफ वाई टू माइनस वाई वन स्क्वेयर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वेयर, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। ये टर्म आगे पीछे हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन जब होती है तब कैसे भी हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ तक हम लोग आए थे, इसके ऊपर के बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने समझाए थे, ये हमारा यहाँ तक हो चुका था। अब मेरा सवाल इसको जो मतलब पकड़ के, और एक सवाल है वो ये है, अगर ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर सपोज मेरा एक पॉइंट है ए करके जो है 3,4 यहाँ पे, और सपोज करो कि मुझे ये डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का, सो देन हाउ कैन आई अप्रोच? यू नो वेरी वेल ओरिजिन इज 0,0, सो मेरा फॉर्मूला क्या बदल जाएगा इधर? ओ बी में ओ ए मेरा कैसे निकल आएगा? यस एनीवन? मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मूले में रिडक्शन चाहिए बस। मुझे पता है आंसर कैसे निकाला जाएगा, आप इसमें वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, आई नो दैट। मुझे चाहिए रिडक्शन, मैं फॉर्मूले को क्या कम कर सकता हूँ ऐसे केस में, के इतने बड़े फॉर्मूले की जरूरत हमें पड़ेगी? यस एनीवन, ये फॉर्मूला कुछ कम हो जाएगा क्या, कि ऐसे ही रहेगा? यस एग्जैक्टली, तो जैसे इन्होंने बताया वैसे क्या हो जाएगा, सिंपली आप क्या करना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ऐसा आपको करना है बस। एक्स और वाई क्या है, तो ये दोनों एक्स वाई है, ऐसा आप लोग समझ सकते, ठीक है? मतलब जब भी एक बात ध्यान में रख सकते, इधर से हमें क्या सीखने मिला
कि जब भी ओरिजिन से अगर कुछ हमें निकालना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना होगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट देंगे 5, 6 और आगे बोलेंगे फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा लिखेंगे। तो फ्रॉम ओरिजिन अगर आया तो समझ लेना है, एक तो ओ 0, 0 इसमें डालकर वैल्यू निकाले, नहीं तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, फ्रॉम ओरिजिन के लिए क्या होता है, जो हमारे एक्स और वाई है उनका स्क्वायर करो, ऐड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करो, ऐड करो, आंसर आ जाएगा। यस विजय, अगर आप नए हो, विजय देवर कोंडा, अगर आप नए हो तो यू कैन सी द प्रीवियस लेक्चर्स, ऑडियो प्रॉब्लम इज फ्रॉम योर साइड। बाकी लोगों को ऑडियो आ रहा है? ठीक है, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस सी दैट इज द फैक्ट। ओके चलेगा, ये टॉपिक समझ में आया क्या? और फ्रॉम ओरिजिन का क्या कहना है मुझे? फ्रॉम ओरिजिन का आपको शॉर्टकट समझ में आया है, डायरेक्टली वैल्यू का स्क्वेयर करके ऐड करना। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करिए ये टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं आप लोग, लिखना होगा तो दिस इज सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, इसमें भी टाइप होते हैं, मैं फर्स्ट पहले उसमें से बता दे रहा हूं कि सेक्शन फॉर्मूला का पहला क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या होगा ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूले के लिए सबसे पहले अगर सपोज ये कोई मेरी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, अभी इस लाइन सेगमेंट के ऊपर मैंने ऐसा, अगर कहीं से भी मैंने ऐसा काट दिया है इसको, पहले तो मैंने अगर सपोज ऐसे बीचों बीच से अगर काटा होता तो आप लोग क्या कहते? मैंने क्या किया, आधा आधा किया। सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये पूरा अगर 10 सेंटीमीटर है तो आप क्या बोलते हैं, सर ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं आधे में ही काटूं, ये जरूरी नहीं कि मैं हमेशा आधे में काटूं, ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं पर यहाँ काट दूं, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं यही कहीं पर काट दूं, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं और यहाँ पे, कभी हो सकता है और यहाँ पे, मतलब हमेशा सेंटर में काटना ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, हम लोग यहाँ वहाँ काट सकते हैं। तो सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे काटा हुआ है, जैसे आपके सामने दिख रहा है अभी, यहाँ पे काटा, यहाँ पे एक मैं पॉइंट पी बना लेता हूँ, x, y। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट बनाता हूँ ए, इसको बोलता हूँ मैं x1, y1, और यहाँ पे पॉइंट बनाता हूँ मैं बी, दिस इज x2, y2। ठीक है, ऐसे कुछ भी पॉइंट अपन बना सकते, डिपेंड्स। अभी जहां से भी मैंने काटा है, सपोज यहाँ पे कुछ एक रेशो में काटा हुआ है, अब रेशो में कैसे काटेंगे, जैसे मैंने आधा काट दिया मतलब मैंने 1:1 रेशो में काटा, अब यहाँ पे काटा मतलब कुछ स्मॉल पार्ट इधर है और लार्ज पार्ट इधर है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये 1:3 पार्ट में, मतलब ये 1 गुना होगा तो ये 3 गुना होगा, मतलब इतनी लाइन अगर इतनी इतनी लाइन 1 रुपए की है तो ये आगे वाली पी से लेकर बी ये 3 गुना, मतलब ₹3 की है ये, इतने डिस्टेंस जाने के लिए अगर 1 रुपये टिकट लगता है तो इतना डिस्टेंस जाने के लिए ₹3 टिकट लगता है, ऐसा आप समझ सकते। कहने का मतलब एक ही हो गया कि मैंने 1:3 पार्ट में उसको बांटा हुआ है, 1:3 पार्ट में उसको मैंने बांटा है। ठीक है, अभी 1:3 को थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ अलग नाम देते, मैंने इसको बोला एम और इसको बोला मैंने एन, इसको बोला मैंने एम, इसको बोला मैंने एन, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा किस चीज का, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का, हमें पी के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, हमें ये पता है, हमें ये पता है, हमें एम पता है, हमें एन पता है, अगर हमें इतना सारा पता है तो हम लोग एक्स कैसे निकालेंगे और वाई कैसे निकालेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला।
तो कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला समझ लीजिए, वो होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और y के लिए होता है सेम एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। एम और एन क्या है, जिस रेशो में उसको बांटा गया वो रेशो है एम वैल्यू एन वैल्यू। एक्स वन वाई वन मतलब शुरुआत का पॉइंट और एक्स टू वाई टू मतलब आखिरी वाला पॉइंट। जैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले में लेते हैं उसी लॉजिक से लेना है, अलग कुछ नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसका एक लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगा, तब तक आप लोग ये थोड़ा सा लिख लीजिए, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ बताना रह गई कि ये कौन सा टाइप का है, तो ये सेक्शन फॉर्मूले के अंदर पहला टाइप होता है, दैट इज इंटरनल सेक्शन, जिस इसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन। ये जो किया है हमने, दिस इज इंटरनल सेक्शन, इंटरनल सेक्शन के लिए ये फॉर्मूले होते हैं। अब इंटरनल का मतलब क्या होता है, लाइन के बीच में कहीं पर भी काटा वो इंटरनल होता है। दूसरा वाला टाइप आएगा तो समझा दूंगा मैं कि वो चीज क्या होती है। पहले इंटरनल का मतलब क्या, बिटवीन ए एंड बी मैंने कहीं पर भी काटा तो इंटरनल ही हो जाएगा। इंटरनल मतलब अंदर, किसके अंदर, ए से लेकर बी के अंदर कहीं पर भी काटो इंटरनल है। उसमें ये फॉर्मूले लगाने, ये रटना पड़ेगा आपको, थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। नीचे सेम सेम है, एम प्लस एन एम प्लस एन, इधर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, इधर एम वाई टू प्लस एन वाई वन, बस इतना ही है। लिख लिया सबने, इधर तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना ही यहीं तक, सबको समझ आया है इधर तक? यस, ठीक है। अभी एक लाइव एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग उसको समझते हैं कि कैसे की ये चीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ए दिया गया है, मैं अलग से बनाता हूं इसको ताकि और अच्छे से समझ आए। एक लाइन है सपोज, जिसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं ए के, ये पॉइंट ए है, या आप भी बना सकते हैं आपकी नोटबुक में, फाइव कॉमा माइनस सिक्स दिया हुआ है, कहीं तो भी काटा हुआ है बीच में, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ये हमें ढूंढना रहता, और आखिरी वाला पॉइंट बी दिया गया है जो है माइनस सेवन कॉमा फाइव। जो रेशो में दिया है, मतलब जिस रेशो में काटा गया है वो रेशो है, वो रेशो है m इज टू n, दिस इज वन इज टू टू, ऐसा कुछ रेशो दिया है। तो ये बन गया m पार्ट, ये बन गया n पार्ट, दिस इज वन दिस इज टू, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। मतलब ये सिंगल पार्ट, ये सिंगल पार्ट, m और n की वैल्यू मैंने अलग अलग लिख दी। थोड़ी देर पहले मैंने क्या फॉर्मूला बताया, याद करिए, x के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था सिंपली एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और y के लिए बताया था एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, सिंपल। ओके, वैल्यू पुट करो, जो जहां से वैल्यू है वही पे लाओ। हाँ, ये वैल्यू क्या है, ये है वैल्यू एक्स वन वाई वन, ये चीज क्या है यहाँ पे, दिस इज एक्स टू वाई टू, एक्स टू एंड वाई टू। नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, सिंपल वन इंटू एक्स टू मतलब कहाँ पे, ये देखिए माइनस सेवन प्लस एन मतलब टू इंटू वाई टू, सॉरी एक्स वन क्या है हमारा फाइव, और नीचे इन दोनों का क्या करना है एडिशन, मतलब वन प्लस टू, दिस इज माइनस सेवन दिस इज प्लस टेन हो जाएगा अपॉन थ्री, माइनस प्लस माइनस, टेन में से थ्री चला गया, टेन में से सेवन चला गया, दिस इज यस थ्री, एंड थ्री अपॉन थ्री योर आंसर विल बी वन। मतलब एक्स का आंसर हमें क्या मिल गया, सिंपल वन मिल गया है। ठीक है, इसी प्रकार वन इंटू वाई टू, वाई टू मतलब यही का,
दिस इज फाइव, दिस इज फाइव, वाई टू क्या है देखिए, फाइव है प्लस टू इंटू क्या है इधर माइनस सिक्स वाई वन का, दिस इज वन प्लस टू, दिस इज फाइव माइनस ट्वेल्व अपॉन थ्री, यस बराबर है। किसी का तो माइक ऑन है, माइक ऑन मत रखिए। दिस इज माइनस सेवन अपॉन थ्री, सो माइनस सेवन अपॉन थ्री, दिस इज योर आंसर। नो नीड टू गो इन टू द डेसिमल्स, कीप एज इट इज। इधर तक किया बहुत हो गया। तो x कॉमा वाई क्या कोऑर्डिनेट आए हमारे पॉइंट P के, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे आए वन और माइनस सेवन अपॉन थ्री। क्लियर है सबको? एक लाइव एग्जांपल मैंने लेके दिखाया, दिस इज द एग्जांपल फॉर योर रेफरेंस किस तरह से इसका यूज होता है। यस एवरीवन, क्लियर है? इस कैलकुलेशन में या पूरे इसमें किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। एक्स कैसे निकालना है, वाई कैसे निकालना है, कुछ भी होगा तो पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको वो एग्जाम में ऐसा करे कि आपको वो ये एक्स और वाई नहीं दे, इसकी जगह पे आपको वो कुछ लिख दे, वन टू ऐसा कुछ लिख दे, और वो जानबूझकर ये जो आखिरी वाली चीज है इसको हटा दे, इसको नहीं दे आपको, तो भी क्या आप आंसर फाइंड आउट कर सकते, तो भी क्या आप लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते? यस, इसका मतलब क्या हो गया? एक काम करते हम लोग, इसके जो आए हैं कोऑर्डिनेट वही लेते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हमने जो लाया वही आता है कि नहीं आता है। जैसे इसके कोऑर्डिनेट आया था वन कॉमा माइनस सेवन बाई थ्री, ठीक है, और इसके दिए नहीं ऐसा समझ के चलते, और फिर अभी ट्राई करेंगे इसी फॉर्मूले में डालकर वैल्यू सारे कि हमें आता है कि नहीं आता है। लेट्स ट्राई इट। चलिए सभी लोग अपने अपने नोटबुक्स में ट्राई कीजिए अभी के अभी कि हमारे वही आंसर आते हैं कि नहीं आते, ताकि आपको विश्वास आ जाए। फिर क्या करना है देखिए, ये जो एम एन है वही एम एन है, एक्स और वाई कौन है, ये एक्स है ये वाई है, ओके। एक्स टू वाई टू नहीं दिए आपको, तो एक्स टू वाई टू का जैसे वैसे रखिए, ओके, आपका आंसर बनेगा, टेंशन ना लेना। एक्स क्या है देखिए, यहाँ पे एक्स क्या है वन है, चलो वन इज इक्वल टू एम क्या है, वो भी वन ही है। एक्स टू पता है क्या आपको? नहीं पता, तो कीप एज इट इज। एन एन क्या है, टू इन टू एक्स वन क्या है, दिस इज फाइव अपॉन वन प्लस टू, जैसे वैसे आएगा, ओके। फिर अभी वन इज इक्वल टू एक्स टू इंटू वन, दिस इज एक्स टू, टू इंटू फाइव दिस इज टेन, एंड दिस इज थ्री। तो ये थ्री कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना, थ्री डिवाइड का मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो थ्री इज इक्वल टू एक्स टू माइनस टेन, सॉरी प्लस टेन, ये प्लस टेन इधर जाके माइनस टेन हो जाएगा। तो एक्स टू की वैल्यू क्या बनेगी, एक्स टू की वैल्यू बनी माइनस सेवन। ये पहले भी दी थी कि नहीं दी थी, याद करिए, ये माइनस सेवन ही था कि नहीं था? आया बराबर से, आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है? इन तीनों में से कुछ भी एक वैल्यू वो गायब कर दे, हम बाकी दो की मदद से निकाल लेंगे, अगर हमारे फॉर्मूले लर्न है तो, अगर हमारे फॉर्मूले लर्न है तो, वरना नहीं। अरे माइक ऑन ही है, आप कितना भी शांति से बात करेंगे सब क्लास को सुनाई देगा, ठीक है। चलो y इज इक्वल्स टू u माइनस नहीं होता है, u माइनस नहीं होता है, क्या कहना चाहते हो, कौन सा u है इसमें पहले तो वो बताइए। अच्छा माइनस सेवन है ऐसा, हाँ तो है माइनस, था पहले माइनस भी, चलो नेक्स्ट करके देखो, आधा नहीं छोड़ना किसी चीज को, डालो इसमें वैल्यूज। क्या था, माइनस सेवन बाई थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, वन इंटू वाई टू नहीं पता हमें, ठीक है नहीं पता तो नहीं पता, प्लस
हो जाएगा, टू एन इंटू वाई वन। एन क्या है, एन हमारा है टू, वाई वन क्या है हमारा माइनस सिक्स अपॉन थ्री हो जाएगा। वो आपको पता है कैसे आता है थ्री, और ये थ्री और ये थ्री कट जाएगा, माइनस सेवन इज इक्वल्स टू वाई टू इंटू वन, वाई टू एज इट इज, दिस इज माइनस ट्वेल्व। माइनस ट्वेल्व यहाँ पे आके प्लस ट्वेल्व हो जाता है और वाई टू का आंसर आ जाता है, यस, माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस सेवन, प्लस ट्वेल्व माइनस सेवन, योर आंसर विल बी फाइव। सो दिस इज फाइव, क्लियर एवरीवन? ऐसा मैंने इसको भी एब्सेंट किया होता तो भी आपको आंसर आ जाता सेम तरीके से, ठीक है? अब इस फॉर्मूले में किसी को डाउट, मैंने सारे इधर उधर करके दिखा दिए, बोलिए। सर, अगर हम इस फॉर्मूला को इस तरह लिखेंगे सर, क्या ये ठीक है? किस तरह? सर, अगर हम लिखेंगे M1X2 प्लस M2X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, एन हम हटाएंगे, एन एन के बदले लिखेंगे M2, मतलब सबस्क्रिप्ट रखेंगे, ठीक है? इससे ओके थोड़ा इजी हो ओके, जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं आप, अपना अपना तरीका है वो लिखने का, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको जैसा इजी लगता है वैसे आप लोग कर सकते हैं। उनका कहना है इधर M1 और इधर M2 रखना है और एक M, बार सर, एक बार सर, सॉरी सॉरी सर, बोलिए बोलिए, एक बार लिख लीजिए आप सर, इस पर व्हाइट बोर्ड पर एक बार लिख लीजिए सर, इसको ना M1 M2 ये को ना, बहुत इजी हो जाता है सर। हाँ ठीक है चलेगा। इनका हाँ कहना बिल्कुल, है, M1X2 हाँ प्लस हाँ एम हाँ टू एक्स वन जस्ट अ मिनट, एक्स इज इक्वल्स टू आपका कहना है M2X1, ऐसा लिखूँ मैं? पहला है M1, मतलब ये जो M है स्क्रिप्ट है वन, M1X2 प्लस M2 M2X1 अपॉन डिवाइड बाय M1 M1 प्लस प्लस M2, M2 बराबर है, बस ये बहुत इजी है, बहुत इजी लगता है। और y इज इक्वल टू आ जाएगा M1 Y1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है? M1 M2 यस सर, यस सर, मतलब आप लोग इसको इनके अनुसार M to N समझ सकते, M मतलब M1, N मतलब M2, ठीक है? ओके एवरीवन, नो प्रॉब्लम, तरीका होता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे इंटरनल, हमने सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल सेक्शन कैसे होता है वो हमने देखा। इंटरनल का मतलब मैंने ये समझाया था कि अगर हम लोग क्या करेंगे, बीच में से काटेंगे किसी को, तो जो कुछ भी चीज़, मतलब वो यहीं से काटो, यहीं से, यहीं से, यहीं से, जहाँ से मर्जी वो काटो, कहाँ से भी करो, आपको यही फॉर्मूले दोनों यूज करने हैं। अब कुछ आगे नया सीखते हैं, चलिए इसी के ही अंदर दूसरा पार्ट है, एक्सटर्नल डालिए। एक्सटर्नल सेक्शन कैसे होता है, एक्सटर्नल सेक्शन कैसे होता है और उसमें क्या बदलाव आता है, ये हम लोग थोड़ा देखते हैं अभी, ठीक है? अगर सपोज कीजिए कि एक लाइन है, ओके, एक लाइन है, फिर थोड़ी देर में किसी को लगा कि इसके साथ मुझे और एक लाइन ज्वाइंट कर देनी है, तो उसने क्या किया कि यहीं से एक लाइन और जोड़ दी, मतलब देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा कलर भी चेंज किया हुआ है, एक लाइन उसने और उसके साथ ज्वाइंट कर दी। कुछ भी पकड़ सकते हैं आप, एक रस्सी पकड़ लो, जो पकड़ना है उसको पकड़ सकते हैं आप। तो सपोज आपको ए पता है, आपको यहाँ पे बी पता है, एंड वाला, सॉरी, बी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, ओके, यहाँ पे आपको बी पता है, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे कुछ ना कुछ, X1 Y1 X2 Y2, हमने किया क्या, और यहाँ पे वो पॉइंट रहेगा पी, X, Y वाला, हमने किया क्या, देखो इस केस में हमने अंदर ने किधर काटा उसको, हमने बाहर एक्सटर्नली उसको कुछ ज्वाइंट किया हुआ है, बाहर से ज्वाइंट करना, फिर वो यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, लेफ्ट राइट कहीं से भी हो सकता है। सपोज कीजिए अभी जो आपके सामने दिख रही है, इसके हिसाब से ये टू टाइम्स है और ये सिंगल टाइम्स है, ऐसा आप समझ सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से वो m और इसके मतलब m इज टू n हो जाएगा, और ये जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से m1 और इधर से m2 हो जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, पिछली बार m और n को हमने m1 m2 बोला थोड़ी देर पहले। तो ये अगर हमने बाहर से ज्वाइंट किया हुआ है, हमको अगर इसको पता है ये x1 y1 कुछ तो भी दिए जाते हैं, ये x2 y2 कुछ तो भी दिए जाते हैं, और ये xy हमें निकालना है। ओके, देन हाउ टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स, मतलब ये PXY हम लोग कैसे निकालेंगे कैसे नहीं, ये हमको देखना है। ठीक है, इसलिए हम लोग सिर्फ एक छोटा सा चेंज करेंगे। कौन बोलेगा वो चेंज कहाँ पे आएगा? इसके फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज आता है, वो क्या आता है कोई बता सकता है क्या? साइन साइन में सर, सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस हो जाएगा बस, बाकी सब सेम, कोई चेंज नहीं। तो अभी जो हमने फॉर्मूले लिखे थे थोड़ी देर पहले, उनके हिसाब से भी लिख देते, m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2, और y इज इक्वल्स टू m1 y2 minus m2 y1 अपॉन m1 minus m2। ठीक है, ओके, एवरीवन कंफर्टेबल इसके साथ? यस सर। कुछ चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ माइनस साइन लगाई है। एक्सटर्नली अगर कोई लाइन आके ज्वाइंट हो जाती है तो जो कुछ एक अननोन पॉइंट है वो निकालने के लिए तरीका, ज्यादातर करके इंटरनल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सटर्नल का थोड़ा कम ही आता है, लेकिन होना चाहिए आपके नॉलेज में, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, इसके एग्जाम्पल आगे जाके हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमें एक कंसेप्ट और समझना है इस केस में, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों को इसका सब टॉपिक सीखना है। सेक्शन फॉर्मूले का हमने देख लिया, इंटरनल एक्सटर्नल, और उसका एक सब टॉपिक हम लोग कह सकते हैं। सर मैं अभी दोनों में कंफ्यूज हो रही हूं। अच्छा, कुछ नहीं है कंफ्यूज होना, कुछ नहीं है। अगर मैंने एक लाइन ले ली अंदर से काटा तो आपको प्लस प्लस साइन लेना है, मैंने बाहर से कोई ज्वाइंट किया या एक्सटर्नल वर्ड अगर रहा तो आपको माइनस माइनस साइन लेना है, बस खत्म। इसमें कंफ्यूजन वाली कौन सी बात है? आया क्या समझ में सपना? ए बी, अगर ये सी अंदर रहता है तो प्लस प्लस साइन यूज करो, प्लस प्लस, ठीक है, और अगर बाहर वाला रहा तो ये है। अच्छा, आप नीचे के फॉर्मूले में अगर मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, हाँ, बराबर है, हाँ ठीक है। नहीं, वो mn, देखिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आप सिंपल mn को फॉलो करिए, आपको mn समझ आता है। जिसको m1 m2 समझ आता है उसको m1 m2 फॉलो करने दीजिए। ठीक है, जिनको जिसका मतलब कंफर्टेबल है वो उसके हिसाब से करिए, कंफ्यूज होने की चीज नहीं है। बाकी लोग भी कंफ्यूज मत होना mn और m1 m2 के साथ। ओके, ये मैं लगे तो थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देता हूं, बाद में कुछ आएगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। आगे देखते हैं, हम लोग सब टॉपिक देख रहे हैं इसके अंदर, दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको हम लोग जानते हैं किससे? मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये लिख सकते हैं आप मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या चीज है करके। सिंपल, अगर मैंने एक लाइन ले ली, इस लाइन को सपोज 10 सेंटीमीटर पकड़ लो आप, और इस लाइन को मैंने अगर बीचों बीच से काट दिया, तो कौन बोलेगा कि मैंने कितने रेशो में उसको काटा हुआ है, कितने रेशो में काटा हुआ है मैंने इसको? रेशो क्या आएगा? अगर सपोज कीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर है, अगर बीच से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 5, और ये 5 हो जाएगा, और जब मैं रेशो पूछता हूं इसका मतलब 5/5, मतलब 1/1। ओके, ये क्या हो एक्सक्यूज मी जाएगा सर, ये? प्लीज रिपीट अगेन।
हमें तो बता ही रहा हूँ। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला है ये, मिड पॉइंट फॉर्मूला के अंदर क्या हो रहा है अभी, मतलब प्रोसेस को समझिए। एक लाइन है जो 10 सेंटीमीटर की है, हमने बीचों बीच से उसको काटा तो 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 5-5 मतलब 5/5 रेशियो अगर मुझे निकालना है तो एम एस टू एन के लिए, तो 5/5 मतलब 1/1 लिख सकता हूँ क्या मैं? तो यस, 5 1 5, इसको काट कर 1/1 आंसर आ जाएगा आपका। इसका मतलब इसके जो रेशोज है वो 1:1 में हमेशा होते हैं, इसके जो रेशोज है वो हमेशा क्या रहेंगे, 1:1 में रहेंगे। इसका मतलब आपकी एम और एन की जो वैल्यूज है वो हमेशा क्या हो गई, m 1:1 हो गई, या आप लोग इसको m1 m2 से नाम से जानते हैं जो लोग, वो 1:1 हो गई। ओके, अब ये दोनों वैल्यू आप ये देखिए, ये जो पॉइंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ए, दिस इज आपका x1 y1 होता है हर बार की तरह, दिस इज लास्ट पॉइंट बी, दिस इज आप x2 y2 कह सकते, और जो निकालना है वो बीच का पॉइंट पी, उसको हम लोग हर बार की तरह xy कह देते। ये किस टाइप का इंटर मतलब सेक्शन हो गया, इंटरनल हो गया कि एक्सटर्नल हो गया? तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, इंटरनल टाइप का है, बराबर है, क्योंकि बीच में काटा हुआ है। इंटरनल में हुआ है मतलब प्लस प्लस साइन आएंगे, तो मैंने प्लस प्लस कर दिया है। अब आप लोग m और n को की जगह 1:1 डाल दीजिए इस फॉर्मूले में, तो आपको क्या मिल जाता है, इधर 1 डाला मतलब 1 × x2, इधर होता है 1 × x1, 1 × x1 अपॉन नीचे आ जाएगा 1 + 1, y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन यहाँ पे आएगा 1 + 1, x इज इक्वल्स टू सिंपल आप लोग समझ सकते इधर x2 + x1 अपॉन 1 + 1 मतलब 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, y2 + y1 अपॉन 2। इसको ही ठीक से और अच्छे से लिखेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू x1 + x2, उल्टा किया तो भी चलेगा, प्लस का साइन है क्योंकि बीच में, माइनस का जब होता है तब नहीं कर सकते लेकिन प्लस का है तो कर सकते हैं। तो y1 + y2 अपॉन 2, दिस इज वॉट यूर मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको ही बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। आया क्या समझ में, दिस इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। यस एवरीवन, ये हो गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत चीज काम की है, बहुत बार पूछी जाती है मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब क्या है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दे दिए, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दे दिए, तो आप बीच का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपको इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एम और एन की वैल्यू 1:1 हो चुकी है इस केस में। यस एवरीवन, किसी को डाउट है मिड पॉइंट इंटरनल एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले का पूरे टॉपिक में किसी को डाउट होगा तो पूछिए। यस, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? यस यस, लिखो लिखो, लिखने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखते रहो। यस, जिन्होंने बोला है नाउ टीच अस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो मेरा पार्ट है कि मुझे कैसे सिखाना है, आई विल टीच एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू द पीक, लेकिन मैं मेरे हिसाब से जाऊंगा, आई विल नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर वे। ओके, जो मेरा तरीका है वो मैं फॉलो करूंगा, जिस टॉपिक के बाद जो टॉपिक सिखाना है उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। एक्सटर्नल नहीं आता, आई नो दैट, बट कभी गलती से आ गया तो पता होना चाहिए। ओके, इसलिए मैंने एक्सटर्नल भी सिखा दिया, बाद में किसी को जिसको पता है वो फिर से थोड़ी देर पहले में बोलता कि सर ये नहीं होगा वो नहीं होगा ऐसा। नीड ऑफ सेक्शन फॉर्मूला इज वेन एवर, मैं कुछ प्रॉब्लम लूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा कि वेन एवर वी आर कटिंग
समथिंग फ्रॉम इन बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे ग्राफ में अपन देखते हैं उसको थोड़ी देर में, जब x डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड डिस्टेंस। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूले से आप ये दिखा सकते। अब सुनिए खालिद जी, अगर आपको किसी दिन अगर ये पॉइंट पता चल जाता है और सपोज करिए कि m और n है, तो आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकालने आ जाएगा ना। और वो जो और भी उसके एप्लीकेशन है, मैं थोड़ा और मतलब आगे बेसिक पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें समझ आ जाएगा। थोड़ा वक्त दीजिए, फिर मैं सेक्शन फॉर्मूले के भी एप्लीकेशन बताऊंगा। ठीक है, लिखने वालों का हो गया है सब कुछ? धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, सबके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, सभी कॉर्नर्स को टच किया जाएगा, बस पेशेंस होना चाहिए आप लोगों में। आवाज नहीं आ रही आपकी, आप थोड़ा, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, चलेगा। कुछ कहना होगा तो एक दो मिनट दे रहा हूं मैं, आप मतलब जिसको जो भी कहना होगा कह सकता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। यस यस यस, बैकग्राउंड में ही जा रहा हूं अभी मैं। इसके बाद में नेक्स्ट लिंक में हम लोग मिलेंगे, फिर हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे जैसे मुजमिल ने कहा। यस 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 यस, और हम लोग वापस से हम लोग यहाँ से फिर आगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड पहले समझते हैं। ठीक है।